वेलकम टू सहजानंद एजुकेशन। नमस्कार, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 का पहला काव्य तेरी है जमी। इस काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। इस प्रार्थना गीत जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। यह काव्य हिंदी का फिल्म यानी कि जो बॉलीवुड की मूवी है उसका नाम है द बर्निंग ट्रेन, उससे लिया गया है। तो सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है खबर रखना। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े वाले। तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। दोस्तों, ये सुंदर सा प्रार्थना गीत आपने सुना। अब हम देखते हैं इस कविता का सरल अर्थ। इसमें कवि ईश्वर से संबोधन करते, हे ईश्वर, ये सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके है और सब तुम्हारे हैं, ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में है इसकी हमेशा खबर रखना। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका कर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में है। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर कर सकते हो। तो बच्चों, आपने देखा
के कवि ने भगवान के सामने अपना सर फैलाकर बताया है कि हम संकट में फंसे हैं, तुम हमें अगर तुम चाहो तो हमें रख भी सकते हो और तुम हमें अगर चाहो तो हमें मार भी सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत को टाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यह जमीन भी तेरी है, यह आसमान भी तेरा है।